ऑनलाइन टीचिंग करने के तो बहुत तरीके हैं, और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी अलग अलग टीचिंग मेथड्स के साथ फेमिलियर होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन टीचिंग मेथड्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ये जो टीचिंग वीडियोस होते हैं इनका कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिससे कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम अपने टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ। इसके साथ साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी मेरे कॉन्टेंट क्रिएशन का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है, किस तरह से मैं अपने मैथमेटिकल चैनल के लिए वीडियोज़ को क्रिएट करती हूँ, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती हूँ, और जो पूरा सेटअप होता है हर चीज़ मैं कवर करूँगी आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ तो ये जो पेन टैबलेट है इसको कनेक्ट करना है, जिसकी हेल्प से मैं स्क्रीन पर लिखूँगी। दूसरी चीज़, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए माइक यूज़ करना है, तो यहाँ मैं बोया का ही जो कॉलर माइक है उसको यूज़ करूँगी। अब इसके बाद हमें वाइट बोर्ड चाहिए जिस पर हम चीज़ों को लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ मैं पावर पॉइंट की ब्लैंक स्लाइड यूज़ करूँगी, जिसकी मैंने यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ बना ली हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर वेबकैम कनेक्ट कर सकते हैं। वेबकैम को आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं एज अ वेबकैम, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप पहले से लिख लेंगे, जिससे कि थोड़ा टाइम सेव हो और वीडियो का जो लेंथ है वो भी बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके साथ आप व्यू टैब में जाकर जो आपको रूल लाइंस या ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपको लिखना कहाँ पर है। नहीं तो क्या होता है, जनरली जो अलाइनमेंट होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप रूल लाइंस ले सकते हैं तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पर लिख रहे हैं, तो प्रॉपर अलाइनमेंट आएगा टेक्स्ट का। पेन टूल्स में एक बार और आप जाएंगे, थिकनेस पेन का है उसको आपको पहले से सेलेक्ट करना है, ये चीज़ें बाद में नहीं करना है आपको। अगर आप स्लाइड शो मोड यूज़ करते हैं तो उसमें थिकनेस इंक्रीज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जो नॉर्मल व्यू है आप उसी को यूज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो एडिशनल पार्ट है ये दिख रहा है तो ये हट जाता है रिकॉर्डिंग में, मैं आपको अभी बताऊँगी वो कैसे करना है। इसके बाद जो भी आपका रेफरेंस मटेरियल है, बुक हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं, उनको आप यहाँ पर रखेंगे और फिर उनकी हेल्प से आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि जब आप इस तरह से वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे तो कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट जो भी आपका रेफरेंस मटेरियल है वो आप अपने साथ में रखें। तो यहाँ हमने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया, हमारी लाइंस ग्रिड लाइंस यहाँ पर विजिबल हैं रेफरेंस के लिए। अब हमें सीधा इसको एक्सप्लेन करना शुरू करना है। जो हमारा पेन टूल है वो भी सिलेक्टेड है, तो अब ये जो वाइट बोर्ड है इसको हमें रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ मैं OBS स्टूडियो को यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले ऑडियो इनपुट कैप्चर सेलेक्ट किया है जिससे मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करूँगी। दूसरी चीज़ है विंडो कैप्चर, जिसमें जो वाइट बोर्ड है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। कैसे करना है, सोर्सेज में आप जाएंगे और यहाँ विंडो कैप्चर वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, और जो भी आपका वाइट बोर्ड खुला होगा वो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। एक चीज़ और करना है, कैप्चर कर्सर वाला जो ऑप्शन है उसको ज़रूर सेलेक्ट करिए, नहीं तो जो आपका पॉइंटर वो आपको दिखेगा नहीं। और ये जो आपको एडिशनल टैब्स दिख रहे हैं इनको आपको क्रॉप करना है। कैसे करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे और फिर आप इस तरह से जो माउस है उससे आप ड्रैग कर लेंगे तो जो एडिशनल पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, तो सिर्फ आपका ये जो वाइट बोर्ड है ये ही विजिबल होगा। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर आप जाएंगे और यहाँ से आप अपने पावर पॉइंट को ओपन करेंगे और फिर आप यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, FZ इज इक्वल टू ई पावर AZ अपॉन Z माइनस पाई आई। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ों को लिखकर एक्सप्लेन करना है, तो जो आपका लेक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा, आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है और जो स्क्रीन पर आप लिख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। और जब आपका इस तरह से लेक्चर पूरा क्रिएट हो जाता है तो फिर आप कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग, और फिर ये जो रिकॉर्डिंग है इसे आप देखेंगे कहाँ पर, पहले आप जाएंगे फाइल टैब में और यहाँ पर शो रिकॉर्डिंग्स वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपको वो जो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिल जाएगी। अब ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी होगी, जैसे कि जो स्टार्टिंग का पार्ट है जब हम स्विच कर रहे हैं OBS टू वाइट बोर्ड, और जो लास्ट का पार्ट है जब वाइट बोर्ड से आप OBS में आ रहे हैं, या फिर कुछ एक पार्ट है जो आपको ट्रिम करना है, कट करना है, तो बेसिक एडिटिंग आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं आपको उन्हीं को यूज़ करना है।
टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा एडिटिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। बेसिक एडिटिंग होती है जो किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इजीली हो जाती है। और अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें तो आपको ऑलरेडी एक फ्री वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मिल रहा है। आप यहाँ पर जाएंगे और टाइप करेंगे वीडियो, तो ये देखिए ये जो वीडियो एडिटर है ये यहाँ पर आ गया है ऑप्शन। इसमें आप सिंपल वीडियो एडिटिंग अपनी कर सकते हैं। न्यू वीडियो प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर जो आपका वीडियो फाइल है उसको यहाँ पर आप इंपोर्ट करके बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो एडिटर में हम किस तरह से एडिटिंग करते हैं वो चीज़ भी मैं पूरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने में डिफ़िकल्टी ना हो और आप इसकी हेल्प से बहुत ही इजीली सिंपल जो वीडियो एडिटिंग है वो कर सकते हैं। टीचिंग वीडियोस के लिए इससे ज़्यादा एडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जितनी ज़रूरत है वो आपको इस वीडियो एडिटर में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप वीडियो को अपना एडिट कर लेंगे और फिर आपको उसको अपलोड कर देना है यूट्यूब पर। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है लेक्चर वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने का, क्रिएट करने का, और ये पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ अपने मैथमेटिकल वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। आप चाहें तो इसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट इन जनरल यही प्रोसेस होता है एक लेक्चर वीडियो को क्रिएट करने का। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरे टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।